हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास और क्लास 11th के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई भी पार्टिकल कितनी इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर सकता है, यही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसा कि लिखा भी है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मोशन अ पार्टिकल कैन परफॉर्म इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वायर है, इस वायर पे कोई एंट चलती चली आ रही है, कितने डायरेक्शन में जा रही है, केवल एक ही डायरेक्शन है, एक ही एक्सिस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1। यानी एंट मूविंग ऑन अ वायर, नॉट ओनली एंट, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ वायर या अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, राइट। अब वही एंट इस ब्लैक बोर्ड पे चल रही है, ब्लैक बोर्ड क्या है, एक प्लेन, या फर्श पे चल रही है, या वॉल पे चल रही है, या टेबल के ऊपर चल रही है, कहीं भी चल रही है, तो टेबल का मतलब प्लेन, बोर्ड का मतलब प्लेन, और प्लेन में दो एक्सिस होते हैं ना, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ प्लेन, उसका शेप कोई भी हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर आर टू एक्सिस, यस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। अब एक तीसरा केस लेते हैं कि एक बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में, काइट उड़ रही है, या वाटर में फिश स्विमिंग कर रही है, फ्री है, थ्री डायमेंशन, इंडिपेंडेंट, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3। यानी फ्लाइंग बर्ड, काइट, फिश, सब कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3, राइट। तो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स आपके पास 3 तरीके के डिस्कस करेंगे आज हम, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक पॉली एटॉमिक यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, एक मोनो एटॉमिक का मतलब ये पार्टिकल, तो हम इस एक्सिस को ड्रॉ कर ले रहे हैं, आप यहां पर देखिए, इससे पहले मोशन 2 तरीके की होंगी, एक ट्रांसलेटरी, यहां से यू चली जा रही है, ये है, ये यू चला जा रहा है, और अगर ये अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम है, HE, हीलियम, तो क्या होगा, वो यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, या यहां जा सकता है, यानी 3 डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है मोनोएटॉमिक, और ये मोशन कैसी होगी, ट्रांसलेटरी। तो इसका मतलब फॉर एटॉमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3, और तीनों कैसी है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब डायटॉमिक देखिए, ये एक्सिस है 1 1, डायटॉमिक, तो मैं इसको एक्सिस से दिखा रहा हूं, एक्स वाई जेड ऐसे रखा हुआ, तो ये ऐसे जा सकता है एक एक्सिस, दूसरा ऐसे जा सकता है 2 एक्सिस, और तीसरा ही हो जा सकता है, यानी ट्रांसलेटरी 3 मोशन हो गई ना। अब देखिए, इसके अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग, या इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, लेकिन इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल 3 ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और 2 कैसी, रोटेशनल। देखिए, ये है, ये ऐसे जा सकता है एक, दूसरा यू आ सकता है, और तीसरा यू जा सकता, तो तीनों ट्रांसलेटरी हो गई। उसके बाद इसके अलॉन्ग रोटेट नहीं करेगा, हाँ इसके अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता है ऐसे, और इसके अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके, तो इसका मतलब 2 के अलॉन्ग ये रोटेट करेगा, तो ट्रांसलेटरी 2 और सॉरी रोटेशनल 2 और ट्रांसलेटरी 3। तो फॉर डायटॉमिक क्या हो गया, 5, कौन कौन सी, ट्रांसलेटरी 3 प्लस रोटेशनल 2, मिला के हो गई 5। अब पॉलीएटॉमिक की बात करें,
तो ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया, 1 2 3 4। हम ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं, 1 2 3 ट्रायंगल के शेप में। तो क्या हो गया कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो ट्रायंगुलर शेप है, तो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, यानी ट्रांसलेटरी थ्योरी हो गई। अब वो इसके अलोंग भी रोटेट कर सकता है, इसके अलोंग भी रोटेट कर सकता है, और इसके अलोंग तो रोटेट कर ही सकता है। कैसे? ये एक्सिस है, देखिए इसके अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे, या इसके अलोंग ये, या इसके अलोंग ये, यानी तीनों के अलोंग रोटेशनल मोशन हो गया। इसका मतलब फॉर ट्राइटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 6। कैसे? ट्रांसलेटरी 3 प्लस रोटेशनल 3, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया आपका 6। बात समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, इसके बाद हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता रहे हैं। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई क्लासिकल पार्टिकल्स का क्लासिकल सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो ईच पार्टिकल के लिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kV × T होगी। मैंने यहां लिख रखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच इज इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, द एवरेज इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है पर पार्टिकल यानी ईच पार्टिकल एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1/2 kV × T। दिस इज योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज f, देन एवरेज इंटरनल एनर्जी विल बी क्या हो जाएगा? 1/2 fkV × T। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kV है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो 1/2 fkV T। दैट्स इट। समझ में आ गया? दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। ओके क्लास, नाउ टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, हमको मालूम है कि पर पार्टिकल पर मॉलिक्यूल द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 fkV T, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, kb इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कहते हैं फॉर 1 मोल गैस having n, 1 मोल गैस कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n मॉलिक्यूल्स, और इस n को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। n इज योर एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? वही आइडियल गैस की बात हो जाएगी, एंड देयरफॉर देयरफॉर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस वन मोल गैस क्या हो जाएगी? 1/2 fkV × T। ये तो पर मॉलिक्यूल था, और 1 मोल के लिए क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है तो n × n भी हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1/2 fnkV × T, और दिस विल बी 1/2, इसको u से डिनोट करेंगे तो u इज इक्वल टू 1/2 nkV, क्या हो जाता है? r।
इंटू टी कैसे लिखेंगे, वेयर यहां लिखता हूं, वेयर आर इज इक्वल टू एम इंटू के बी, तो यू इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी। यहां तक समझ में आ गया, ये क्या है, दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी, ये वो पिछला वाला एवरेज थी पर मॉलिक्यूल, अब क्या है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, यू इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएशन ऑफ सीपी सीवी एंड गामा। सीपी क्या है, सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर का मतलब वन मोल गैस है, राइट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी, एंड गामा क्या है, द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, राइट, तो इनका इवेल्युएशन करना है। देखिए वी नो दैट, अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था U इज इक्वल टू वन बाई टू एफ आर टी, इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू एफ आर, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू एफ आर, राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर रहा हूं बेटा इधर, अच्छा लिखा लो, ठीक है वन हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है, ये कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कहते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेटा डी, वन मोल गैस है एम वन हो गया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है सीवी, तो डी क्यू इज इक्वल टू सीवी डी टी और डब्ल्यू, अच्छा ठीक है, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो गया। तो अब इससे देखिए क्या होता है, तो इससे क्या हुआ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू आया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, अब हम डी क्यू वैल्यू रखें तो मैं यहां पे कर रहा हूं देखिए, एंड देयरफॉर डी यू इज इक्वल टू डी क्यू क्या था सीवी डी टी, यानी डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सीवी, इक्वेशन नंबर टू हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डी क्यू इज इक्वल टू सीवी डी टी और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये दोनों पुट किए तो आया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, अब इस इक्वेशन में हमने डी क्यू की वैल्यू पुट की तो हमको ये मिला डी टी को नीचे शिफ्ट किया डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सीवी, राइट। अब देखिए वन क्या कहता है, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ एफ आर एंड डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सीवी, तो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिला, सी वी इज इक्वल टू वन बाई टू एफ आर, ये हो गया सी वी की वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए इसके आगे ये बॉक्स में है, फिर कहते हैं वी नो दैट क्या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, और सीवी क्या है वन बाई टू एफ आर प्लस आर, वन बाई टू एफ आर प्लस आर, यानी आर अगर कॉमन ले लें तो क्या आता है एफ बाई टू प्लस वन, और ये क्या है दिस इज योर सीपी, तो यू गॉट टू वैल्यू सीवी एंड सीपी। अब क्या चाहिए, नाउ यू नीड गामा, तो मैं यहां लिखता हूं गामा को, यहां लिख दे रहा हूं आपने नोट कर लिया, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं टू वन एंड टू कर दे रहा हूं, अरेंज कर देता हूं
वन एंड टू। देखिए अब यहां कर रहा हूं गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीपी। सीपी क्या है? आर एफ बाई टू प्लस वन, ये है सीपी। और सीपी क्या है? वन बाई टू एफ आर, आर कैंसिल हो गया। अब ये एफ बाई टू तो आ जाएगा वन प्लस टू बाय एफ एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ सीवी सीपी एंड गामा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब मैंने कहा सीपी सीवी और गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो पॉज करिए। वेल क्लास, मैंने सीपी सीवी और गामा यहां लिख दिया। अब आपसे कहा इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो। और इसकी वैल्यू क्या है? मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 एंड ट्राइटॉमिक के लिए 6। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? 2 कैलोरी मोल माइनस 1 कैलोरी माइनस 1। तो ये सारी वैल्यू यहां पुट करिए, सीपी सीवी गामा फाइंड करिए। मैं एक कर रहा हूं फॉर मोनो एटॉमिक, सीपी क्या हो जाएगा? 2 3 बाई 2 प्लस 1। That is 5, ठीक है? CV क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू आर यानी 2, दैट इज 3। और गामा क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय 3, 5 by 3, that is 1.33. So you got the value of CP5, CV3 and gamma 1.33. क्या किया मैंने? इन्हीं relations में F R की value put कर दी। Diatomic के लिए R F की value 5 हो जाएगी। Triatomic के लिए F की value 6 हो जाएगी। And similarly you will get the value, right? करता हूँ। For diatomic CP क्या हो जाएगा? 2 5 by 2 plus 1, that is 7। CV क्या हो जाएगा? 1 by 2 into 5 into 2, that is 5। और gamma क्या हो जाएगा? CP by CV, That is 7 by 5। तो ये गामा की वैल्यू हो गई, ठीक है? और ऐसे ही अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करेंगे फॉर एटॉमिक, तो क्या हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू 2 6 by 2 प्लस 1, दैट इज 8, ठीक है? CV इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एफ इंटू आर, दैट इज 6। एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, मैं इसकी बजाय सीपी बाई सीवी कर रहा हूं, तो दैट इज 8 बाई 6। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक मिनट होल्ड करिएगा इसको। ओके, मैंने इसको क्या किया था? 1.33, 5 by 3 1.63 आएगा, 1.33 नहीं आएगा, 1.3 4 by 3 की वैल्यू आएगी। तो ये 1.33, ये 1.63 और ये 1.40। तो इस तरीके से आप सीपी सीवी और गामा की वैल्यू पूरी फाइंड कर चुके हैं। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।